सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट को लेकर। मार्केट आप लोग देखोगे हमें प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान भी बुरी तरीके से फिसलते हुए नजर आई है। खास तौर पर स्मॉल कैप स्टॉक्स आप लोग देखोगे, स्मॉल कैप इंडेक्स आप लोग देखोगे सबसे ज़्यादा फिसला भी 2.25% के करीब, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे मिड कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स में भी आप लोग देखोगे 1.5% के करीब, 1% से ऊपर में जो ना अभी 0.25% के करीब गिरावट है। और इतनी बड़ी करेक्शन आप लोग देखोगे मार्केट में बजट से ठीक पहले आना, ये मैंने आपको पहले बोला, अगर मार्केट में बजट से पहले गिरावट आती है तो वो एक अच्छा मौका होगा। तो आप लोग देखो अभी के टाइम इन शेयरों में गिरावट बन रही है, PSUs में गिरावट बन रही है, तो उसको जो है ज़्यादा नज़रअंदाज मत करना। ये टाइम है कैसा, पैसा लगाने का। गिरावट आ रही है तो गिरावट में पैसा लगाना है। ऐसा नहीं है कि गिरावट में अगर हो ही रही तो गिरावट को गिरावट की तरह देखते रहो, देखना देखने से कुछ नहीं होने वाला। भी पैसा कमाना तो नीचे के भाव से शेयरों को उठाना पड़ेगा जो अच्छी क्वालिटी के शेयर है। तो कल बाजार कैसे रह सकते हैं सभी के मन में डाउट अभी, तो मैं आपको बता दूं भाई गैप डाउन ओपन होंगे और अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग होने की संभावना है। बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्री और HDFC बैंक दोनों के रिजल्ट्स आए और दोनों के रिजल्ट्स आप लोग देखोगे भी खराब है, तो उनके ऊपर बैड इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो उन शेयरों में गिरावट आएगी जो एक तरफा मार्केट को लेकर चलते हैं, अगर वही स्टॉक टूटेंगे तो मार्केट में करेक्शन तो भाई लाजमी है। तो इसलिए कल गैप डाउन ओपनिंग होने की संभावना है, लगभग 100 पॉइंट के करीब निफ्टी नीचे जाते हुए नजर आए, ठीक है 100 पॉइंट के करीब। तो गैप डाउन होना देखो भाई गैप डाउन को कोई नहीं रोकने वाला कल के दिन, क्योंकि हमारी मार्केट के अंदर देखो भाई सेंटिमेंट पॉजिटिव हो कुछ भी हो कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन जो मेन कंपनियां हैं उनके रिजल्ट्स थोड़े खराब आएंगे। जैसे आपने TCS के देखे होंगे, रिजल्ट अच्छा है तो मार्केट को एक तरफा लेके चला गया, HCL के रिजल्ट अच्छा है तो मार्केट को एक तरफा लेके चला गया। लेकिन उसके बाद आप लोग देखोगे ग्लोबल मार्केट में दबाव है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो हमारे बाजार है वो भी प्रीवियस में गैप जो ना भी आप लोग देखोगे एक बड़ा गैप नीचे में बनाकर क्लोजिंग लिया है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोग देखोगे कल के दिन रिजल्ट अगर अच्छे आए होते ना तो मार्केट को स्टेबल कर सकते थे वो, लेकिन उन्हीं के रिजल्ट्स खराब आए हैं तो उनका इम्पैक्ट भी हमें बैड देखने को मिलेगा। तो कल मार्केट में गैप डाउन ओपन होने की संभावना पूर्ण रूप से है। और उसके बाद आप लोग डाउ जोन्स, डाउ फ्यूचर इनका कैसा माहौल रहा है भी पीछे। नैसडैक डाउ जोन्स तो भी नेगेटिव क्लोजिंग लिए है, S&P 500 भी नेगेटिव गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फ्यूचर्स की, नैसडैक फ्यूचर, डाउ जोन्स फ्यूचर 21% के करीब जो फिसले हुए हैं, ठीक है, तो इनमें भी अच्छी खासी गिरावट है। गोल्ड आप लोग देखोगे क्रूड ऑयल में गिरावट है, तो ये फ्यूचर्स है भाई, फ्यूचर्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ FIDI के डाटा की, तो FIA वाले गिरावट में, जी हाँ इस गिरावट के अंदर जमकर खरीदारी कर रहे हैं, ये आपके सामने देख सकते हो भाई। यहाँ पर देखोगे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान भी गिरावट में 1506 करोड़ की इनकी जो अभी बाइंग आई है, और जबकि ऐसी सिचुएशन में जब भी मार्केट टूटती तो FIA वाले साले सेल करते हैं तब होता है, लेकिन अभी क्या करें गिरावट आ रही है मार्केट में वो खरीद रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ भी पैनिक मत होना, ये टाइम इस प्रकार से नहीं है कि सेल करते रहें, ये कोई बेवकूफ थोड़ी ना इतने इतना पैसा लगा रहे हैं। इसीलिए भाई यहाँ पर मार्केट जरूर नीचे जाएगा लेकिन नीचे में खरीदारी के माहौल बनेंगे, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इसके अलावा आपको कुछ पूछना है कमेंट में पूछ सकते हो। और कितना गैप डाउन जाएगा देखो भाई, कहाँ तक जा सकता मार्केट, चलिए वो देखते चार्ट पर। तो हम देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, आप लोग देखोगे अभी टाइम जो सपोर्ट रहने वाला नीचे में 24,475 का, ठीक है। अगर ये नीचे में टूटा तो फिर आप लोग देखोगे 24,439 और 24,436 ये हमें नीचे में जो ना भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो चांस ज़्यादातर रहेंगे भी बाजार के नीचे जाने के, एक अच्छी खासी हेल्दी करेक्शन मार्केट में आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको पहले बोला था मार्केट में एक करेक्शन आना अच्छी खासी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे जो ना भी मार्केट एक बार फिर से अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो एक अच्छी रैली देगा। तो मार्केट में आप लोग देखोगे भी 1% से ऊपर में हमें निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिल गई है, तो यहाँ से और गिरावट आने की संभावना अभी के टाइम है। और गिरावट अगर आएगी तो आप लोग देखोगे नीचे में 24,000 के भी नीचे जा सकता है ये, ठीक है। तो अभी के टाइम ये जो रैली बनी थी ना पीछे, ये गिरावट में कन्वर्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 24,000-23,500 उस लेवल तक आए तो फ्रेश एंट्री के बहुत अच्छे मौके बन जाएंगे भी, जिन शेयरों में अच्छी खासी गिरावट होगी, खासतौर पर PSU जिनमें भारी भरकम फॉल बनेगा, ठीक है, इस गिरावट के अंदर भारी भरकम फॉल के कारण रहेंगे PSU, क्योंकि काफ़ी अच्छे चले हैं तो वहाँ पर ज़्यादा करेक्शन देखने को मिलेगी और जल्दी ही वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट आप लोग रिकवरी लेंगे। तो इसलिए उन शेयरों के ऊपर फोकस रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।